Hey guys, good morning all of you. Welcome back to my channel Topper Stop. So today video is very important because आज जो है वो मैं proper notes making आपके साथ discuss करूँगी यहाँ पर. But उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा meditation. तो meditation करने के बाद यहाँ पर मैं अपना revision शुरू कर रही हूँ और आज मैं modern history को revise करूँगी. Complete detail में आपके साथ notes making share की जाएगी आज. तो make sure कि आप video को last तक देखें और channel को subscribe कर लें. आपने जैसे पूछा था कि कैसे जो है न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना है, तो आज हम एक न्यूज़ को और उसके साथ एक आर्टिकल को कवर करेंगे. जो न्यूज़ है वो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में. नई डिजीज़ आई है, हमारा जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है, GS3 का पोर्शन है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब क्या है कि आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे. इसमें बेसिकली ये कहा कि पंजाब के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कि मतलब कि ये फैला हो गया, मतलब विलेजेस में फैला हुआ है. तो यहाँ पे अब हमको क्या देखना है कि हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं. अब ये जो पूरा न्यूज़ है ना, इसमें सिर्फ डिटेल बता रखी है कि दो विलेजेस में फैल गया है और मतलब कि जो भोपाल में इंस्टीट्यूट है उसने कंफर्म कर दिया कि हाँ ये स्वाइन फीवर है पिक्स के अंदर है. ठीक है, अब इस आर्टिकल से जो हमको चीज़ पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि देखिए यहाँ पे जो इन विलेजेस के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी स्वाइन के ऊपर, मतलब पिक्स के ऊपर, वो किस एक्ट्स के अंदर लगाई जाएंगी. तो द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज इन एनिमल्स एक्ट 2009 हो गया, और उसी के साथ जो नेक्स्ट एक्शन प्लान है कंट्रोल कंटेनमेंट का, इसके अंडर जो है वो स्ट्रिक्टली इंपोज की जाएंगी रिस्ट्रिक्शन सारी की सारी. ठीक है, और उसी के साथ एक पॉइंट जो हमको देखने को इसमें मिलता है वो क्या मिलता है कि इन्होंने ये कहा है कि ये वाली जो डिजीज है ये इनक्योरेबल है, तो यहाँ पे प्रिवेंशन जो है वो जरूरी है, तो यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाने हैं. अब ये न्यूज हमको पता चल गई कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में. अब हम आ जाते हैं गूगल के ऊपर. नाउ यू कैन सी हियर कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो गए और मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं जो डिटेल में वहाँ पे दृष्टि आईएएस में दे रखा था. जैसे कि क्या था कि इंडिया में फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ पे हुआ, अरुणाचल नागालैंड में हुआ, तो मतलब पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. अफेक्ट किसको करता है, डोमेस्टिक को, वाइल्ड दोनों पिक्स को करेगा, ह्यूमंस के लिए हार्मलेस है ये करके. ड्यूरेशन क्या होती है, लॉन्ग होती है, कहाँ का प्रेजेंट होता है, ब्लड फेसेस टिश्यूज में हो जाता है. ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो सिर्फ वर्ड क्या होता है कि जब हम वर्ड लिखते ना सीधा हमारा ध्यान जो वो वर्ड्स पे जाता है, तो ये वर्ड्स यहाँ पे लिख लिया. ठीक है, जो मेन चीज है कि जैसे इसमें कि पैराक्यूट फॉर्म जो है वो सडन डेथ करती है, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिया. सिम्टम्स क्या है, तो जैसे सिंपली याद हो जाएगा कि फीवर होता है तो क्या होता है, हमें भूख लगनी कम हो जाती है. जब हमें भूख कम लगती है हम खाते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होता है. एनर्जी लॉस होगा तो अगर मान लो कोई फीमेल है वो प्रेगनेंट है वो खा नहीं रही है, तो उसका अबॉर्शन हो जाएगा. अबॉर्शन क्या होता है, हेमरेजेस होते हैं. हेमरेज अगर होती रहेगी, खून बहता रहेगा, तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. तो इस तरीके से स्टोरी फॉर्म में सिम्टम्स को याद करना है. डिटेक्शन कहाँ पे हुई थी ये याद कर लिया. अभी देखिए ये वाली जो चीज थी वहाँ पर दृष्टि इसमें नहीं प्रेजेंट थी, ये जो प्रिवेंशन के लिए रिस्ट्रिक्शन लगती है वो किसके अंडर लगते हैं, ये अभी हमें कहाँ से मिली, द हिंदू से मिली. और ये वाली जो न्यूज़ है हमारी यहाँ से फिर कवर हो गई. ठीक है, तो ये न्यूज़ देख लिया, हम एक आर्टिकल देख लेते हैं. तो जो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं वो करते हैं गोदावरी फ्लड से रिलेटेड. एक्चुअली क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम पे मेरे नोट्स बने हुए हैं बट मुझे अभी वो नोटबुक मिल नहीं रही है, रीशिफ्टिंग में पता नहीं कहाँ ही रखी मैंने, वो यूपीएससी के टाइम मैंने बनाए थे, तो अभी मेरे पास टाइम भी नहीं ढूंढने का, तो वो चीज़ तो मैं अभी नहीं दिखा रही आपको. बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि क्या ये देखो कि ये कितना बड़ा आर्टिकल है, पर हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे और किस तरीके से हमको देखने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले जो है कोया ट्राइब है. आप देखेंगे अगर आपने पीसीएस के एग्जाम देंगे कि वहाँ पे ट्राइब से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं. और देखो पीसीएस का ये मतलब नहीं है कि वो एक हफ्ते पहले सो के उठते और कहते चलो पेपर बना देते, बच्चों का पेपर है जल्दी से प्रिंट कराओ. वो भी पूरे साल मेहनत करते हैं क्योंकि वो भी आपको बहुत अच्छी रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इस तरीके के जो ट्राइब्स होते हैं फिर हम सोचते खास से आई है. तो कोया ट्राइब जो है एक तो ये यहाँ पे पता चली हमें, और दूसरी जो है वो यहाँ पे दूसरी ट्राइब जो है दैट इज कोंडा रेडी कम्युनिटी जो कि पीबीटीजी ग्रुप में आती है. तो यहाँ से हमें दो ट्राइब्स पता चल गया, कहाँ की बात हो रही है, गोदावरी की बात हो रही है, कहाँ का एरिया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात हो रही है. तो कहाँ पे ट्राइब देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को. फर्स्ट आपका प्रीलिम्स का पॉइंट हो गया, इसको आप लिखते रहेंगे. दूसरा क्या है कि ये जो फ्लड आई है वो कहाँ पे आई है, गोदावरी के उन विलेजेस उन एरियाज में आई है जो कि साबरी रिवर, अगर मैं सही प्रोनाउंस
कर रही हूँ, साबरी रिवर का जो इन्फ्लुएंशियल एरिया है वहाँ पे आइए, तो ये ट्रिब्यूटरी आपकी इंपॉर्टेंट होगी यूपीएससी और पीसीएस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब क्या है कि जब हमको आंसर लिखना होता है ना, हमें एग्जाम्पल देना होता है, तो यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ फ्लड में जो है आप ये स्टोरी या फिर एग्जाम्पल बता सकते हैं कि गोदावरी में जो फ्लड आई उससे जो एरिया था वो इतना खराब हो गया, जो हाउसेज में पानी घुसा उससे 11 एकड़ के अंदर जो बीज बोने थे किसानों को वो खराब हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टोरी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो रिमोट एरियाज में फ्लड आती है वो उनके लिए नाइटमेयर से कम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल का एग्जाम्पल दिया है कि उसको जब हॉस्पिटल ले जाना था तो एक डोली जो होता है मतलब मेकशिफ्ट स्ट्रेचर्स होते हैं उसके थ्रू फैमिली मेंबर किसी तरीके से उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो यहाँ से क्या हुआ आपको दो स्टोरीज और दो एग्जाम्पल्स मिल गए। तीसरी चीज आपको यहाँ पे क्या देखने को मिली कि देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जैसे गोदावरी का ये है ना कि वो कैसे जा रही है वो आपको यहाँ पे शो किया गया है, तो ये जो है आप मैप से निकालेंगे मतलब मैप जाएंगे गूगल मैप्स में और वहाँ से निकालेंगे कि गोदावरी एरिया किस किस एरिया को ड्रेन करती है ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दे रखे हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स आपके पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे पोलावरम प्रोजेक्ट दे दिया यहाँ पे पहले, फिर उसके बाद जो है ये कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट दे दिया, उसी के साथ जो है एक और प्रोजेक्ट जो है ये देखिए यहाँ पे सीतम्मा सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया, तो तीन प्रोजेक्ट्स आपको पता चल गया किसके ऊपर है गोदावरी के ऊपर है, ठीक है। अब जो है आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात हुई ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं वो आपको पता है, वो आपको कैसे पता चलेंगे वो यहाँ से पता चल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो गोदावरी बे ऑफ बंगाल में जाती है तो वो कौन कौन सी स्ट्रीम से जाती है, जैसे कि गोवत्थनी हो गया, वृद्ध गोवत्थनी हो गया, कोरिंगा होगा, वशिष्ठा हो गया, वनित्या हो गई, तो ये सारी जो है ट्रिब्यूटरीज आपको पता चल गई न्यूज़पेपर में आ गई, तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब मेंस के पर्पस पे आ जाते हैं, मतलब ये ड्रेनेज वाला क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है, फ्लड्स के ऑप्शन क्वेश्चन में आ सकती है कि फ्लड का इफेक्ट क्या होता है, तो ये एक और इफेक्ट आपको यहाँ पे पता चल गया कि लोग जो है उनको पीने का पानी भी नहीं मिलता है। दूसरा जो है यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला कि जो ट्राइबल वीमेंस होती हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो भी फ्लड वाटर में चले जाते हैं, तो उनके पहनने के पास कपड़े भी नहीं होते। अब चैलेंजेस क्या है कि जो फ्लड मिटिगेशन प्लान्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसमें वाइल्ड लाइफ को कोई वो नहीं दी, और फ्लड्स जो है वो वाइल्ड लाइफ को भी इफेक्ट करती है उस रीजन के, तो ये हो गया। उसके साथ जो है मेजर्स यहाँ पे दे रखे हैं कि भाई ऐसे एरिया जहाँ पे फ्लड्स हैं वहाँ पे बाइक एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके ताकि लोगों को ये मिल सके, ठीक है। तो अब जो है आपने ये पूरा आर्टिकल देख लिया, अब जो है ये आर्टिकल मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए ये मेंस का क्वेश्चन अभी हम करेंगे, और अगर आपको जरा सी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सके, और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे 2020 का, ये मेंस का क्वेश्चन है, और फिर मैं इसको आपको आंसर राइटिंग करके दिखाऊंगी। शेड्यूल सैटरडे है कि मुझे आंसर राइटिंग करनी थी, तो आज मैं आंसर राइटिंग अभी इस फ्लड की ही यहाँ पे कर लेती हूँ मेंस के क्वेश्चन को देख के, और मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यू कैन सी जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कि ये 2020 का यूपीएससी का क्वेश्चन था, यहाँ पे जो हैदराबाद और अर्बन सिटीज में फ्लड्स आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने जैसे पहले डेफिनेशन लिखी, उसके बाद जो है जितने भी फैक्टर्स थे फ्लडिंग के ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने कहाँ से किया, गूगल से किया, क्योंकि फैक्टर्स जो है वो आज के आर्टिकल में नहीं थे, बट अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको लिखने होंगे। अब इफेक्ट्स ऑफ फ्लड है, इफेक्ट्स ऑफ फ्लड जो है वो कुछ जो है वो गूगल से लिए गए, उसी के साथ जो है वो यहाँ पे जैसे कि ये अफेक्टेड द वाइल्ड लाइफ वाला जो पोर्शन है ये न्यूज़पेपर से आया, ठीक है। फिर उसके साथ जो है ये इनोडेशन ऑफ विलेजेस एंड क्रॉपलैंड्स आया, ये न्यूज़पेपर से आया, लॉस ऑफ क्लोथ्स एंड अदर एसेंशियल आइटम्स ऑफ वीमेन जो ये कहाँ से आया, ये न्यूज़पेपर से आया। ये दोनों एग्जांपल्स आप देखे कि अभी हमने आर्टिकल में डिस्कस किए थे उससे लिखे गए, ठीक है। अब मेजर्स टू टेक में जो है ये कुछ गूगल से देखे गए, मिस लुइस गैसिट या वो, पर ये जो बाइक एम्बुलेंस वाला ये कहाँ से आया, न्यूज़पेपर से आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है एक आंसर राइटिंग पूरा हो गया, फ्लड्स का पूरा पोर्शन जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो गया, ये क्या हो गया मेंस पर्पस हो गया। अब उसी के साथ क्या है दृष्टि आई जिसमें से कि मैंने ये देखा था, तो जुलाई 2022 का एक करंट अफेयर था जिसमें कि असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र रिवर से फ्लड आती है उसके बारे में था। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर 2020 में क्वेश्चन आ सकता है तो अभी भी आ सकता है, और अभी न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे वो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। इसमें जो एडिशनल पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं वो मैंने लिखे हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लड्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, कि यहाँ पे एक डाटा मैंने मेंशन कर दिया, ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड क्या कॉजल फैक्टर्स हैं ये मेंशन किए हैं, उसी के साथ जो है मतलब कि ये फैक्टर्स जो कि मेनली असम के लिए हैं या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क को वो कैसे अफेक्ट करेगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये तो सारा मेंस का पर्पस हो गया। अब जो हमने प्रीलिम्स के पॉइंट यहाँ पे देखे थे, ट्राइब्स देखे थी, तो ट्राइब्स मेंशन कर दी कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या कैटेगरी है, प्रोजेक्ट्स जो जो से गोदावरी पे प्रेजेंट है, तीन प्रोजेक्ट जो शुरू के देख रहे हैं न्यूज़पेपर में थे, बाकी के गूगल से लिए गए, ठीक है। अब जो ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे मेंशन थी उसका जो है वो मैंने क्या किया कि ये जो मेरी अरिहंत की बुक है इसको मैं फैक्ट्स के लिए करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज थी वो मेंशन कर दी, एज मेरे नोट्स नहीं मिल रहे थे। तो इस तरीके से जो है वो आप नोट्स जो है न्यूज़पेपर से वो बना सकते हैं। इसके बाद मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं इनको मेंटेन कैसे करती हूँ। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो है मैंने रिंग फाइल्स बना रखी है, ये वाली जो फाइल्स होती है मतलब इसमें जैसे ये रिंग प्रेजेंट है ये इस तरीके की, तो रिंग फाइल है ये मैंने फिलोसफी GS3 GS1 GS2 ये कर रखी है, एथिक्स की अभी मैंने ये नहीं बनाई है बिकॉज अभी मैंने उसकी नोट्स मेकिंग शुरू नहीं हुए मेरे, तो ठीक है। यहाँ पे जो है अब क्या होगा कि जैसे ये वाला जो पार्ट है ये फ्लड वाला है ये कहाँ पे जाएगा, ये GS1 में जाएगा, तो यहाँ पे आप एक इस तरीके का ये जो पंचिंग मशीन होती है इसको यूज करके जो है, और ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये कहाँ पे जाएगा, साइंस वाला पोर्शन है, तो GS3 में जाएगा। तो देखिए अभी क्या है कि आपको मैं जस्ट एक बार थोड़ा खोल के दिखा देती हूँ, तो देखिए इस तरीके से क्या है कि जो मेंस का और प्री का सिलेबस है वो मेंशन करना है, और उसके आगे जो है इन सारे पेजेस को ऐसे स्टैपल करते रहना है, मतलब कि जैसे जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज जो है वो यहाँ पे कर दी हमने, ठीक है। तो इस तरीके से श्रीलंका क्राइसिस हो गया, ये इंटरनेशनल रिलेशंस जितने आगे इस तरीके से मेंस का टॉपिक करेंगे, फिर इसको ऐड करते रहेंगे। ये वाली जो चीज़ है ये आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी, अभी थोड़ा सा आपको टफ लगेगा ये सारी चीज़ें सेपरेट करना, बट लास्ट में ये आपको हेल्प करेगी, तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। नाउ आई विल डू पॉलिटी सेक्शन, और यहाँ पे मैं DPSP को बहुत शॉर्ट नोट्स में बनाऊंगी और उसको रिवाइज करूंगी।
में मैं खाना बनाने चली गई थी एंड खाना बनाने के बाद मैंने दोबारा अपने नोट्स मेकिंग को शुरू किया, मतलब बीच में ये लग गए थे मेरे को 10-15 मिनट, और उसके बाद जो है मतलब कि मेरे हाफ डी पी एस पी के नोट्स पूरे हुए थे, देन अगेन मैंने उसको शुरू कर दिया था। सो यहाँ पे मैंने डी पी एस पी के आपके नोट्स बना लिए सारे जो है वो मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे उसके जैसे पार्ट फोर में आर्टिकल 36-51 आयरिस कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स क्या क्या है डी पी एस पी के अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। फिर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो है ये यूपीएससी पीसीएस हर का फेवरेट है ये वाला पार्ट कि कौन सा आर्टिकल जो है उसके अंदर क्या आता है, फिर कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है। तो इस तरीके की ये जो टेबल है एक बार मैं इसको देख लूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ऐसे जो है कैटेगरीज जो है इनके सिर्फ कीवर्ड्स की आर्टिकल 38 सोशल वेलफेयर किसको प्रोवाइड करना है, आर्टिकल 39 के अंदर क्या क्या, तो सिर्फ वर्ड्स जो है उसके ऊपर करेंगे, और इसको अगर हम 2-3 दिन भी डेली रिवाइज कर लेते हैं तो इजीली हो सकता है और आपके 2-3 क्वेश्चंस इजीली अटैम्प हो जाते हैं सिर्फ इस पार्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो सैक्शंस है मतलब किसने क्या स्टेटमेंट दी थी, पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्लस आप जो मॉक टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद रोल्स क्या है डीपीएसपी के, मेंस के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपका। फिर कौन कौन से केसेस जो है वो डीपीएसपी को लाने के लिए हुए थे ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। फिर जो डायरेक्टिव पार्ट फोर के अगेंस्ट, मतलब हमने सोचा कि हम सिर्फ इन कैटेगरीज को कर ले, बट ये नहीं है कि उनके अलावा भी जो डायरेक्टिव प्रेजेंट है पार्ट फोर के अकॉर्डिंग प्रीलियम्स का क्वेश्चन आपका, और डीपीएसपी का अभी तक का इंप्लीमेंटेशन हो चुका है तो आप एग्जाम्पल्स में या फिर जो है मतलब कि किसी भी GS2 के आंसर में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ एक पेज में जो है वो डीपीएसपी के हमारे नोट्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हुए। देन उसके बाद मॉडर्न इंडिया में ना मैं थोड़ी गूगली कर रही हूँ, मतलब जो मुझे आज रिवीजन और मॉक था वो मैं संडे को दूंगी, और जो आज का चैप्टर है वो मैं पहले कर रही हूँ, डेट इज़ पीपल रेजिस्टेंस अगेन बिफोर 1857। तो यहाँ पे मैं उसको पढ़ूंगी और लिख कर देखूंगी। उसके बाद जो है वो मैं वर्ल्ड मैप जो है वो डेली करती हूँ, तो मैं आज एक छोटा सा पोर्शन उठा रही हूँ ग्रीनलैंड के पास का। मतलब ये है कि आपको डेली करना है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा याद करें, जितना आपसे याद हो पा रहा है आप उतना याद कीजिए। उसके बाद जो है आपने मेरे स्केड्यूल में देखा होगा कि रिवीज़न करनी थी, तो जो अमेंडमेंट्स अभी तक मैंने 8 अमेंडमेंट्स याद किए थे वो यहाँ पर मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड इसके बाद जो बाकी के सब्जेक्ट्स अभी तक मैंने 4 दिन में करे हैं मैं उनको रिवाइज़ करूँगी, एज मुझे कहीं पर जाना है इस वजह से आज मैंने जो दिन है वो रिवीजन का चूज़ किया था। सो यहाँ पे 5 बज गए हैं और सारा टारगेट ख़त्म, रिवीजन अब बची है वो मैं करूँगी, उसके बाद मैं मॉक दूँगी आज ही, और मॉक देने के बाद जो है मुझे एक जगह जाना है जिसकी वजह से आज मैंने इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करा है, तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जो मैंने आज आपको बताए हैं नोट्स मेकिंग वो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।